अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर 1 का फिफ्थ नंबर का सम। इससे पहले हम एक एक्स्ट्रा सम डिस्कस करेंगे जिसको आपको समझने में इजी आसानी रहे। ये सम थोड़ा अच्छा सम है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो आप बोलोगे कौन सी वाली, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप बोलोगे इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप बोलोगे सर अब इसका क्या करें, तो इसका सिंपली एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा और हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो आप बोलोगे एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 9। जैसे ही हो जाएगा आप कंपेयर करोगे तो एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आप बोलोगे प्लस 9 और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9। तो आप बोलोगे सर आपको जो फाइंड आउट करना था अल्फा और बीटा आपने कर लिया, तो उसके बाद अभी रिलेशनशिप चेक करते हैं कोऑफिशिएंट का, तो वो स्टार्ट। तो आप बोलोगे सर आपने दोनों फॉर्मूला लिख दी है, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप बोलोगे सम ऑफ ज़ीरो, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपका कितना है, तो आप बोलोगे सर अल्फा है हमारा 9 और बीटा कितना है, तो आप बोलोगे सर माइनस 9 हो जाएगा 0। सेम वे अभी कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो प्रॉपर लिखना है आपको बोलना है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 81 दिया हुआ है, तो कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स 1 है, एक्स का कोऑफिशिएंट हमारे सम में दिया ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोऑफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स का कोऑफिशिएंट होगा आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा और जो 81 है वो हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म सी। तो अभी हम लिखना चालू करते हैं कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप बोलोगे माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 नहीं होता, मतलब माइनस तो 0 ही होता है, बस नॉर्मल वे में 0 ही लिखना है। कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट है 1, सॉल्व करोगे तो 0, तो ये हमारी दोनों चीज़ टैली हो गई। सेम वे आप बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ 0, तो अल्फा इंटू बीटा, तो आप बोलोगे सर माइनस 9 इंटू प्लस 9 वो करेंगे तो आप बोलोगे सर माइनस 81 आएगा। सेम वे कॉन्स्टेंट टर्म है, आप बोलोगे सर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो 81 है वो भी माइनस में, और कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो हमने अभी लिखा है वो 1 आएगा, तो 81 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो पूरा क्लियर हो गया, अभी ये सम आपने क्यों करवाया, क्योंकि ये तो सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये पॉइंट ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम जो फिफ्थ नंबर का सम कर रहे हैं वो रूट वाला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप शांति से देखते जाइए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ 15 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अभी हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं रूट 15 और रूट 15 इज इक्वल टू 15 लिख सकता हूँ। आपको ये नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ, रूट को दो बार रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट के बाहर फिगर आ जाती है। जैसे आप बोलोगे सर रूट 2 इंटू रूट 2 आता है तो हो जाएगा 2। सेम वे आपको ये सब में यही ध्यान रखना है कि ऐसी फिगर ही दे जाएगी जिसके अंदर रूट नहीं निकलता होगा, जैसे 7 दिया होगा सब में, 8 दिया होगा और आगे जाए तो 3 दिया होगा, 2 दिया होगा, इसके ही आपको फिगर दी जाएगी। तो आप बोलोगे सर ऐसा लिख सकते हैं टू स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। जैसे ये होगा तो उसके बाद आप बोलोगे सर ये तो सीधी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो परफेक्ट आपने समझा है। तो आप लिख सकते हो टू टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15। जैसे ये होगा इज इक्वल टू 0 करेंगे, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी आ जाएगा प्लस 15। सेम वे टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, तो आपका फाइनल आंसर दोनों में आ गया टी इज इक्वल टू, पहले एक स्टेप लिख देते यहाँ, टू टी प्लस 15 टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, तो आपको लिखना क्या है, उसके बाद ये लिखना है अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू रूट माइनस 15।
जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा उसके बाद के स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप बोलोगे अभी सर स्टेप में क्या आएगा, तो अभी सिंपली आपको सम ऑफ द जीरोस ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर सम ऑफ द ज़ीरो क्या होगा, तो सम ऑफ द ज़ीरो आप बोलोगे सर सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हमारा है माइनस रूट 15, अल्फ़ा हमने प्लस लिया है तो प्लस लिखते हैं, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, तो इनडायरेक्टली ये दोनों कट हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो इसकी बात कर लेते हैं, टी स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 15, तो टी स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, टी का कुछ नहीं दिया तो 0, और कांस्टेंट टर्म होगी वो सी माइनस 15, तो ये माइनस 15 हो जाएगा। तो अभी हम लिखते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो आप बोलोगे सर वो होगा 0, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो जो होगा वो 1, तो इनडायरेक्टली ये हो जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ अ ज़ीरो, तो प्रोडक्ट होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा क्या होगा, तो अल्फ़ा आप बोलोगे सर बहुत सिंपली अल्फ़ा लिखना है आपको माइन प्लस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो आप बोलोगे सर माइनस 15 आएगा, क्या आएगा माइनस 15 आएगा। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी, तो कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 15, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, तो हो जाएगा 1 को सॉल्व करोगे तो माइनस 15 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर सम में जो पूछा गया था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशियंट, वो दोनों आंसर हमारे टैली हो गए। मैंने ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा सम करवाया, आप कहीं पर लिख लेना तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। इसका सेम एक एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे जब एग्जाम्पल सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे वीडियो नंबर 10 में, जिसमें हम लास्ट सम 6 डिस्कस करेंगे।